भाई स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में और आज मैं बनाऊंगी बहुत सारी मैगी क्योंकि हम तीन लोग हैं तो मैं तीन लोगों की मैगी बना रही हूँ जिसमें मैंने तीन पैकेट लिए हैं और तीन पैकेट जो मैंने खोल दिए हैं यहाँ पे मैं अकेली हूँ वीडियो शूट करने वाली तो थोड़ा सा वीडियो ऐसे वैसे आ जाएगा तो प्लीज़ आप थोड़ा एडजस्ट कर लेना तीनों पैकेट को खोलूँगी चमकीले जो पैकेट चमक रहे हैं यहाँ पे मैंने तीनों पैकेट का मसाला ले लिया है और अब मैं इसमें थोड़ी सी मिर्ची ऐड करूँगी क्योंकि मेरे को थोड़ा ये फीका फीका महसूस होता है मुझे तीखा खाना पसंद है तो इसके बाद हम इस्तेमाल करेंगे काश्मीरी मिर्च लेकिन ये काश्मीरी मिर्च नहीं है ये घर की है नॉर्मल मिर्ची जिस जो बहुत तीखी होती है वो तो मैं अपने फ्रेंड के साथ मैगी खाने वाली हूँ और इसमें मिर्ची थोड़ी और ज़्यादा डालूंगी ताकि वो लोग कम खाएँ और मैं ज़्यादा खा पाऊँ कम डालूँगी क्योंकि हल्दी जो है वो घर की बनाया हुआ मसाला है जो बहुत ही ज़्यादा कड़वी है इसके बाद मैं डालूँगी थोड़ा सा नमक और अब मैं इसमें मिलाऊँगी पानी ताकि मसाला जो है वो ऑयल में जले नहीं उसके बाद मैं बड़ी ही स्टाइल से गैस चालू करूँगी अभी मैं इसमें डालूंगी तेल मैं इसमें दो चम्मच तेल डालूंगी आप अपने हिसाब से तेल वाली खा सकते हैं अच्छे से गर्म होने दें और इस मसाले को अच्छे से मिक्स कर लीजिए मैं इसमें सब्ज़ी कुछ भी इस्तेमाल नहीं करूंगी ये प्याज टमाटर इतना कौन भेजा मारी करे नॉर्मल मैगी अच्छे से बना के खाने का तेल यहाँ पे गर्म हो चुका है मैं इसमें ऐड करूंगी ये मसाला जो इतना धुआदार मसाला उड़ के गया है बार क्या बताओ आपको तो मैं बिना कोई सब्ज़ी के ही मैगी बना रही दी मसाले वाली क्योंकि ये बारीक प्याज काटो बारीक टमाटर काटो अरे भाई कौन काटेगा का बारीक प्याज कौन हमारे और भी काम होते हैं पटापटा होता है और भी तो काम होते हैं कि बारीक प्याज ही काटे हम जिंदगी भर हिसाब से आप इसमें और ज़्यादा पानी मिला दे जिससे आपकी मैगी है जो पक जाए पानी मिक्स करते रहिए पानी सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है मैं इस पानी को थोड़ा उबलने दूंगी उसके बाद मैं इसमें मैगी डालूंगी तो देख सकते हैं आप यहाँ पे मसाला पूरी तरह से जो है रेड है क्योंकि मैंने मिर्ची इतनी ज़्यादा डाली मेरे दोस्त इतने बुक्कड़ है इतनी मैगी खाते हैं ना और मेरी भी खा लेते इसीलिए मैंने ऐसा मेरे को ऐसा करना पड़ा पर आप ऐसा ना कीजिए ठीक है आप अपने हिसाब से मिर्ची डालना जो तो पानी है वो देखिए पूरी तरह से उबल गया है अब मैं इसमें डालूंगी मैगी मैगी को आप तोड़े ना कीजिए यार आप मैगी तोड़ दो ऐसा लगता है किसी का दिल तोड़ दिया मैगी तोड़ना बुरी बात है बिल्कुल मैगी मत तोड़िए ऐसी मैगी डालिए पूरी मैगी डालिए तो अभी मैंने इस मैगी को पकने के लिए रख दिया है जो अभी पकने में टाइम लगेगा तब तक के लिए तब तक के लिए क्या तब तक के लिए वेट करो भाई मैगी की रेसिपी है इतनी क्यूट है मतलब इतनी अच्छी है ना आप इसको कभी भी किधर भी बना के खा सकते हो आराम से आपको नहीं कुछ बारीक काटना फलाना डिकमाना बस आप मैगी बना दो किधर भी बना दो और सुकून की सांस लो और खा जाओ मैगी को आप इस मैगी को है ना मिक्स करते रहिए क्योंकि क्या है कि ये चिपक सकती है नीचे अच्छे से मिक्स कीजिए तो आप देख सकते हैं कितनी सुंदर मैगी बनी है मैं बिल्कुल मुझे ऐसा लग रहा है कि इसकी खुशबू आप तक आ ही रही होगी क्योंकि इतनी अच्छी मैगी हाँ 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 मज़ा ही आ गया भाई देख के मज़ा आ गया मेरी मैगी बन गई है और अब इसको मैं लूँगी प्लेट में तो गाइज मेरी मैगी बन के तैयार है और इसमें मैंने थोड़ा सा सूप रखा है क्योंकि मैंने इसको तीखा बनाया था और ये अच्छी सी प्यारी सी बड़ी चम्मच है मेरे लिए और ये दो चम्मच है उन कंजरों के लिए जो मेरी मैगी खाने आए मेरे घर तो गाइज़ मेरी मैगी यहाँ पे पूरी तरह से बनके तैयार है और आप देख सकते हैं कितनी प्यारी मैगी बनी है यहाँ पे और खाने में भी, भी बहुत टेस्टी होगी मुझे पता ही है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए लाइक कीजिए शेयर कीजिए और कॉमेंट में बताइए कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी और अपने कंजरे दोस्तों को ऐसी मैगी बना के खिलाइए थैंक यू बाय